राजकुमार और कभी बीजेपी। यहाँ जो बीजेपी और जो कांग्रेस है दोनों ये राजकुमार जी के और राजेंद्र जी राठौड़ साहब के दोनों के एक समझौते से टिकट मिली है। ये दोनों ही आदमी एक दूसरे के कांग्रेस और बीजेपी नहीं है, एक ही पार्टी है। इनका विदेशों में धंधा भी एक साथ में हो सकता है और इनका पार्टनर है और लगता है लोग बोल रहे हैं कि पार्टनर बीजेपी के साथ जो घूम रहे हैं ये लोग कल राजकुमार के साथ घूम रहे थे। मैं नहीं मानता कि ये लोग एक हैं, ये लोग पहले राजकुमार के पास थे, अब ये बीजेपी। इनको एक सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी इनको कोई कांग्रेस बीजेपी से लेन देन नहीं। हाँ, कभी कांग्रेस में कभी बीजेपी में थोड़े दिन। तो ये मैं कहना चाहूँगा, बीजेपी वाले पहले कहाँ गए थे? इनका ऊपर सेंटर में गवर्नमेंट है, ये ऊपर से इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करवाते? ये केवल भाषण करते हैं, बिल्कुल इनके खिलाफ कार्रवाई करते नहीं है। अगर बीजेपी आज हर जगह ईडी का छापा डाल रही है, कभी कुछ कर रही है, तो ये ईडी का छापा इनके यहाँ क्यों नहीं डलवा रही? इनके हवेली की जाँच क्यों नहीं करवा रही? इन मंदिरों की जाँच क्यों नहीं करवा रही? ये इसको जी, आपने आज एएसपी से नामांकन दाखिल किया है जिसका आरएलपी के साथ में गठबंधन है, तो बताइए किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? कांग्रेस और बीजेपी दोनों के जो उम्मीदवार हैं, इन्होंने जो उनके खिलाफ हम चुनाव लड़ने के लिए हमारी पार्टी ने पूरे राजस्थान में एक बिगुल बजा रखा है। और यहाँ पर जो विधायक है, वर्तमान विधायक था, इन्होंने जो यहाँ पर गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और ये काफ़ी इनके मुद्दे हैं, इनको लेकर। और बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो इन्होंने टिकट में पिछली बार निर्दलीय का चुनाव लड़ा था, इस बार इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो दोनों को एक दूसरे के पूरक हैं, ये कांग्रेस और बीजेपी, इनका दोनों का एक ही काम है, कोई अलग अलग काम नहीं है। इसलिए हमने, हमारी पार्टी ने मुझे चुना है और इन दोनों के खिलाफ मैं जनता के मुद्दों को रखने के लिए, जैसे बद्रीनाथ जोड़ है, ये जो बातें कर रहे हैं लोग, इन्हीं के लोग, जो सीमेंट फैक्ट्री है और काम है, ये सारे जो इनके मुद्दे हैं, हवेलियाँ बेचना है, मंदिरों को तुड़वाना है, ये राजकुमार शर्मा की जो तनासा है, इनके खिलाफ हम चुनाव लड़ने के लिए हमने, मुझे पार्टी ने मुझे टिकट दिया कि राजस्थान में दोनों पार्टियों को हटाकर हमें हनुमान बनवाल और चंद्रशेखर रावण का जो हमारा जो पार्टी है, इन दोनों पार्टियों को मिलकर जो हमने समझौता किया है, समझौते के लिए हमें चुना है। उस जनता इसके लिए पूरे राजस्थान में इसको हटाने का प्रयास कर रही है और ये प्रयास सफल भी होगा। काफ़ी जोर पर, जैसे राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में तो काफ़ी ज़ोर से चल रहा है और यहाँ भी हमने, जैसे झुंझुनू में पहली बार ये टिकट दोनों मिलकर के इन्होंने टिकट दिए, जनता में बहुत ज़्यादा रोष है। कभी राजकुमार और कभी बीजेपी, यहाँ जो बीजेपी और जो कांग्रेस है दोनों ये राजकुमार जी के और राजेंद्र जी राठौड़ साहब के दोनों के एक समझौते से टिकट मिली है। ये दोनों ही आदमी एक दूसरे के कांग्रेस और बीजेपी नहीं है, एक ही पार्टी है। इनका विदेशों में धंधा भी एक साथ में हो सकता है और इनका पार्टनर है और लगता है लोग बोल रहे हैं कि पार्टनर है। तो मुझे लग रहा है कि राजस्थान में ये जो मिलीजुली सरकार है, कभी वसुंधरा जी इनको समर्थन कर रही है, कभी गहलोत जी को नहीं हटा रहे हैं, तो ये आपस में जो पार्टियाँ हैं ये सिर्फ लोगों को दिखावा कर रही है, दोनों एक ही हैं। इसलिए यहाँ परिवर्तन की जरूरत है, यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हटाने की आवश्यकता है। इसलिए जनता ने मानस बना लिया है कि इस बार ये दोनों पार्टियाँ यहाँ से चली जाएगी और राजस्थान में अन्य विकल्प, तीसरा फ्रंट आएगा और उसमें हनुमान बेनीवाल यहाँ का मुख्यमंत्री साबित होगा। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, जनता को ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 25 तारीख तक ये इन लोगों के झांसे में ना आकर इन दोनों पार्टियों का जो मुखौटा है ये उतार कर और मुझे मतदान करें और हमारी पार्टी का जो केतली निशान है इसको मजबूत बनाए और 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर इन लोगों को हटाए यहाँ से, ताकि ये जो यहाँ की गुंडागर्दी और जो इनका भ्रष्टाचार है, इनका मैं खुलासा कर सकूँ। मैंने पहले भी काफ़ी दिनों से इनके 15 साल से मैं इनके साथ ये मुद्दा लेके चल रहा हूँ। पहले भी इन्होंने काफ़ी जो यहाँ पे लोगों के मुकदमे और ये इन्होंने किए हैं, इसमें मैं सबसे पहले मांग उठाने वाले मैं हूँ। जो ये आज कांग्रेस बीजेपी के साथ जो घूम रहे हैं, ये लोग कल राजकुमार के साथ घूम रहे थे। मैं नहीं मानता कि ये लोग एक हैं, ये लोग पहले राजकुमार के पास थे, अब ये बीजेपी। इनको एक सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी इनको कोई कांग्रेस बीजेपी से लेन देन नहीं। हाँ, कभी कांग्रेस में कभी बीजेपी में। थोड़े दिन पहले ये लोग कांग्रेस में थे, अभी बीजेपी में चले गए और इसलिए जनता में एक रोष है। और मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा एक समाज SC का और हमारा जो OBC का है, जो जाट समाज है, इनके अनदेखी 70 साल से होती आ रही है। किसी आदमी ने भी, दोनों दलों ने भी किसी प्रकार का कोई इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और दोनों ही दल एक शरण जाति के लोगों को टिकट दे रही है। तो यहाँ राजस्थान में नहीं,
झुंझुनू में, नावलगढ़ में जो इन लोगों का टिकट बंटवारा को देखते हुए लग रहा है कि ये पार्टियां सामंतशाही के पक्ष में हैं और ये किसान मजदूर और हमारे जो अन्य वर्ग हैं इनके खिलाफ है। तो मैं मानता हूँ कि जो ये दो ही वर्ग हैं जो ये आज तक टिकट ले रहे हैं, बाकी जो 34 कास्ट हैं इनका कोई यहाँ औचित्य नहीं है। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, बस ये कहना चाह रहा हूँ कि एक बार इनको जिता दो, दूसरी बार ये 15 साल रहेंगे, दूसरा ये 15 साल रहेंगे। इसलिए जनता ये जान चुकी है, अगली बार इनको मतदान नहीं करेगी। जनता बिल्कुल चुप है और ये निर्णय करने के लिए इन्होंने 25 तारीख को ये निर्णय हो जाएगा। और ये जी और ये जो बीजेपी का कैंडिडेट विक्रम सिंह जी, दोनों का मत उधराम जी, आपने विभिन्न मुद्दों पर लड़ाइयाँ लड़ी है, क्षेत्र में आप किन मांगों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे और कौन से ऐसे वादे होंगे जिसके बीच आप जनता के सामने जाएंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले जो आप भद्रणा जोड़ की बात चल रही है, सीमेंट फैक्ट्रियों की बात चल रही है, अगर ये जो लोग सीमेंट फैक्ट्रियों को बेच रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं, इधर ये बड़दरान जा रहे हैं, कभी हवेलियाँ तोड़ रहे हैं, तो ये मैं कहना चाहूँगी बीजेपी वाले पहले कहाँ गए थे? इनका ऊपर सेंटर में गवर्नमेंट है, ये ऊपर से इनके खिलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं करवाते? ये केवल भाषण करते हैं, बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई करते नहीं है। अगर बीजेपी आज हर जगह ईडी का छापा डाल रही है, कभी कुछ कर रही है, तो ये ईडी का छापा इनके यहाँ क्यों नहीं डलवा रही? इनके हवेली की जाँच क्यों नहीं करवा रही? इन मंदिरों की जाँच क्यों नहीं करवा रही? ये स्कूलों के ग्राउंड बेच रहे हैं और ये इधर बद्रान जोड़ बेच रहे हैं, तो बद्रान जोड़ की इन्होंने कभी कोई बीजेपी ने कोई इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया क्या? पार्टी नहीं है क्या? लेकिन ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है, इनको न तो जमीन खरीदनी है न बेचनी है। ये बीजेपी इनमें शामिल है, ये विक्रम सिंह जी आज हैं चुनाव लड़ने के लिए। मैं कहना चाहता हूँ ये भाजपा जो प्रत्याशी है, ये इतने दिन कहाँ था? ये बद्रान जोड़ क्यों नहीं इन्होंने इसको बचाया? ये अभी इनको आपस में देखने को आया कि हमें बद्रान जोड़ बचाना है। मेरे मुद्दा ये है कि जब भी पहली बार चुनाव जीतूंगा तो यहाँ का गुंडा राज खत्म कर दूंगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो गुंडा का राज चल रहा है, यहाँ हफ्ता वसूली भी चालू हो गई है, इसको हटाना है। जनता के यहाँ जो बीच में जो व्यापारी वर्ग है पूरा परेशान है इनसे, और ये काम ये विक्रम सिंह जी करने वाले हैं। अगर ये काम नहीं करते तो ये पहले इन्होंने बीजेपी में क्यों नहीं किया इनके खिलाफ? इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ का मेरा पहला मुद्दा यही है कि यहाँ के जो बद्रान जोड़ है, चाहे भले वो अपने हवेलियों का मामला है और चाहे भले किसी प्रकार का सीमेंट फैक्ट्री का मामला हो, अगर मुझे जनता चुनाव जिता के भेजेगी तो मैं आपको ज़्यादा तो नहीं करना चाहता हूँ, बड़े एक महीने में इसका रिजल्ट आ जाएगा। और ये यहाँ के जो विधायक हैं आपको दिखाई नहीं देंगे और ये जेल के हवा भी खाएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनका टाइम हो गया और ये अभी रावण रूपी जो घूम रहे हैं ये काफ़ी दिन चलने वाला नहीं है और ये अभी जाने वाले हैं, इनका जाना तय है और जनता जानती है मेरे को। मैं काफ़ी संघर्ष कितना किया है, इन्होंने मेरे काफ़ी मुकदमे लगाए, इन्होंने मुझे मिर्ची कांड बना के मुझे जेल तक भिजवाने का भी काम किया है, लेकिन आज तक मैं कोर्ट से बरी आया हूँ। इन्होंने काफ़ी मुकदमे राजकार्य में मेरे लगाए हैं, मैं जानता हूँ और जनता भी जानती है। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आने वाले 25 तारीख को ये जो सोच रहे हैं ना कि ये हमारे वोट आएंगे और ये ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, ये दोनों लोग अपने मुँह की खा के आएंगे और चुनाव मुझे जनता जिताएगी। दो दिन से लगातार चर्चाएं हैं क्षेत्र में कि एक बड़ी जनसभा का आयोजन हनुमान बेनीवाल जी और आजाद, बिल्कुल उनसे टाइम लेकर के और हम ग्रामीण क्षेत्र में करेंगे। ये लोग क्या करते हैं कि अभी जैसे नामांकन हुआ, 1-1 करोड़ रुपया 2-2 करोड़ रुपये खर्च किए इन्होंने जयपुर से, हमारे जैसे लक्ष्मण से, गुड्डा से, सभी दोनों पार्टियां खूब पैसा खर्च कर रही है और जनता को ले रही है। मैं बता देना चाहता हूँ ये जो लोग इतना रुपया जैसे 1 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं, ये किसी गरीब जनता को पढ़ने में और शिक्षा में क्यों नहीं दे रहे? अगर इनको देना ही था तो ये आज से 1 महीने पहले देते, 6 महीने पहले देते, लेकिन ये कहीं पैसा खर्च नहीं कर रहे। ये इनके पास 2 नंबर के पैसे हैं और इन्हें 1000 करोड़ रुपये इकट्ठे करके फैक्ट्री वालों से ले रखे हैं, ज़मीनों में ले रखे हैं, भूमाफियों से ले रखे हैं, तो इनको तो बर्बाद करना है। अगर ये जनता का असली विकास चाहते तो किसी गरीब बेटी का शादी करवाते, कभी किसी गरीब बच्चों को शिक्षा में ऊंचा स्थान दिलवाते, उसको पढ़ने के लिए कहीं विदेश में भेजते या कहीं उच्च लेवल की उसको शिक्षा प्राप्त करवाते। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, विधायक साहब को 15 साल से इन्होंने 10 रुपये भी आज तक उस शिक्षा पर अपनी जेब से खर्च नहीं किए, ये केवल पत्थर लगाते हैं, ये भी गवर्नमेंट के पैसे से लगते हैं। ये 1 रुपया भी किसी व्यक्ति को इन्होंने अपने स्कूल या किसी दान में दिया हो, अपने निजी आय में से या अपने तनख्वाह में से, तो ये सिद्ध करके बता दें इन्होंने कुछ नहीं किया। इनको लूटने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है और जनता के पास कोई सहारा नहीं है, क्यों सामने आए कौन? यहाँ का जो कर्मचारी वर्ग ज़्यादा है तो इसके नाम से डरता है। ये घोड़ी के आगे अगर बड़े बड़े अधिकारी घोड़ियाँ और हाथी पकड़ के बैठते हैं, क्या एक इतने बड़े नेता का ये काम है कि ये घोड़ी और बाजू में बैठे जनता इसके पीछे खड़ी रहे? एक विधायक का काम होता है जनता के साथ चलने का, ये घोड़ी पे चढ़ गया, हाथी पे चढ़ गया और ये ऊँटों पे चढ़ने लगे, कौन सा ये बड़ा काम करके आ गया? को तीर मार गया है क्या? ये कोई डिग्रीधारी नहीं है,
ये जनता का चुनाव प्रतिनिधि है जो हमारे से ऊपर चल के हो रही है, घोड़ी और बाजों पे चलने लगे, प्रत्येक गांव में एक घोड़ी और बाजा फिक्स कर दिया, हाथी फिक्स कर दिया, ये कौन सा राजा है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जनता इससे उठ चुकी है। और दूसरा ये है कि दूसरा आदमी इसी का पूरक है, ये भी इसी का काम कर रहा है। अगर ये चुनाव लड़ता तो हार के फिर ये चार साल कहाँ गया, क्यों नहीं आया भाई मार्केट में, अचानक टिकट लेके और ये चुनाव लड़ने लगा। मैं तो मेरा तो चुनाव लड़ने का मानस ही नहीं था कि मैं चुनाव भी लड़ूंगा, लेकिन जनता ने कहा कि ये तो दोनों आदमी एक ही हैं, इसलिए आप चुनाव लड़ें और मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। मैं इनको दावे के साथ कहता हूं कि जो लोग घूम रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हैं और जो शहर क्षेत्र में, जो जिनकी कोई आज तक सुनाई नहीं करता, उनको कोई जानते नहीं, वो वोट इसको नहीं डालेंगे दोनों अरे को, और कि इनकी जनसभा होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं आज भी बड़े सादे तौर तरीके से फार्म भर के हूं, मैंने एक रुपया खर्च नहीं किया अभी तक, एक रुपया भी खर्च नहीं किया और आगे भी नहीं खर्च करूंगा। मेरी जो भी मीटिंग होगी ग्रामीण क्षेत्र में होगी, मुझे कहाँ जरूरत पड़ती है 1000 गाड़ियों में आदमियों को भर के लाने की, 1000 आदमियों को कहीं काम, 1000 गाड़ियों में भर के 5000 आदमी लाए, इनका कितना काम व्यर्थ किया। कि अगर किसी गांव में अगर साफ सफाई में लग जाए तो पूरे जिले की साफ सफाई हो जाती, इन्होंने कोई काम किया ही नहीं है। इनको तो लोगों को शहर में दिखाना है, दिखाना क्या चीज़ है मैं जानता नहीं क्या दिखाना चाह रहे हैं। मैं ग्रामीण क्षेत्र में मीटिंग करूंगा, मेरे नेता साधे हैं और साधे रहेंगे। मैं कहना चाह रहा हूं कि इनका तो मुख्यमंत्री इनके पास बैठता नहीं, विधायक जो आज मंत्री बन के बैठा है इसका फोन नहीं उठाता किसी का। और मैं बता रहा हूँ मेरा मुख्यमंत्री जो हमारा जो मुख्यमंत्री है, कोई भी आदमी रात को फोन करे उठाएगा और हमारे साथ बैठता है, गाड़ी में साथ बैठता है, साथ चलता है, एक सादा तौर का जो आदमी है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ जो सीधा सादा आदमी है, जो जनता की बात सुनने वाला है, उस आदमी को वोट दें। और मेरे जो ऊपर जो पार्टी के जो पदाधिकारी है उनको देख कर वोट दें, और जनता की जो मांगे हैं उनको देख कर मुझे मतदान करें। और हम ग्रामीण क्षेत्र में ये आगामी मीटिंग करेंगे और आपको इसका पूरी जनता को खुलासा करेंगे, और कहाँ मीटिंग होगी, क्या होगा, ये हम पूछ करके फिर आपको सबको लोगों को बताएंगे। बड़े भाई साहब बुधराम जी मेला ने एसपीसी टिकट लेके और नामांकन दाखिल किया अभी सुबह समय के साथ, और हमारी एसपी टीम और आरएलपी टीम पूरे झुंझुनू जिले की एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जहाँ जहाँ एसपी की टिकट झुंझुनू में चुनाव लड़ रही है वहाँ आरएलपी के कार्यकर्ता सभी साथ लगे हुए हैं, और यहाँ भी नवलगढ़ में भी हमारी आरएलपी पूरी टीम साथ में लगी हुई है। और देखो नवलगढ़ में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए तीसरा मोर्चा आवाज़ उठाली है, और हमारे बड़े भाई साहब बुधराम चौधरी आज बीएसपी से और आरएलपी से गठबंधन में नामांकन दाखिल किया। नवलगढ़ के तमाम किसान को मुझसे यही कहना चाहूँगा कि इस बार आप विधायक मत देखो, इस बार आप मुख्यमंत्री देखो, मुख्यमंत्री अपना होगा। आधी रात को जैसे अजीत भाई ने बताया कि आधी रात को बहन बेटियाँ सुरक्षित मिले,